नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्तों, आज यूपी पुलिस से रिलेटेड सबसे बड़ी न्यूज आ रही है। यूपी पुलिस की दो जो परीक्षा हुई थी, उस दो दोनों पालियों की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। इसके लिए भारत समाचार की न्यूज आप देखिए, ये हमारे पास न्यूज आई है अभी कि भर्ती जो हुई थी वो दोनों ही पालियों की भर्ती निरस्त कर दी गई है। अगली परीक्षा जब होगी उसकी डेट आपको बता दी जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप भी देख सकते हैं। ये मेरे पास वीडियो है, इसको देखिए। दोबारा पुलिस भर्ती की परीक्षा कराई जाएगी और 41,520 पदों के लिए भर्ती की जो प्रक्रिया है वो एक बार फिर से दोबारा होगी। यूपी पुलिस बोर्ड की परीक्षा थी। आपको बता दें कि ये प्रदेश भर के 860 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी, लेकिन परीक्षा में चूक को लेकर प्रशासन गंभीर है। दरअसल एक जगह कई केंद्रों पर दूसरे पेपर खुल गए थे, जिसकी वजह से इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। प्रमुख सचिव गृह ने कड़े निर्देश दिए हैं। उनका ये कहना है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन परीक्षार्थियों पर सरकारी लापरवाही भारी पड़ी है, जिसकी वजह से इनको फिर से अब दोबारा उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, फिर से दोबारा इनको इम्तिहान देना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी इस तरह के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हुआ था, तमाम तरह के एग्ज़ाम हुए थे जिसमें कहीं ना कहीं पेपर लीक होने की बात सामने आई, तो सवाल ये उठता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो एग्जामिनेशन को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटीज़ हैं वो आखिर फुल प्रूफ क्यों नहीं है। दूसरी बात है कि जो इस तरह की लापरवाही केंद्रों पर बरती जा रही है कि दूसरी पाली पहली पाली में दूसरी पाली के पेपर या दूसरे दिन के पेपर खुल जा रहे हैं, जिनकी वजह से लाखों अभ्यर्थियों को एक बार फिर से परीक्षा देने के लिए सामने आना पड़ रहा है। इन तमाम पहलुओं पर विचार कौन करेगा और इसमें जो दोषी लोग हैं, जो लापरवाह, उनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा। तो दोबारा होगी पुलिस भर्ती परीक्षा, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा दोबारा होगी। 41,520 पदों के लिए परीक्षा होगी पुलिस और पीएससी के लिए। दो केंद्रों पर गलत प्रश्न पत्र बटे थे और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि अब फिर से लाखों अभ्यर्थी फिर से परीक्षा देंगे। नई तारीखों की जल्दी ही घोषणा होने वाली है। दरअसल ये एग्जामिनेशन कंट्रोल कराया था टीसीएस ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने, 18 और 19 जून को। दो पालियों में ये परीक्षा थी, लेकिन दूसरी पाली के प्रश्न पत्र में गड़बड़ी मिली थी और दो केंद्रों पर दोनों पालियों में एक ही पेपर बट गए। कुल 860 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी और इस चूक को लेकर शासन का ये कहना है कि वो गंभीर है। प्रमुख सचिव ने कड़े संकेत दिए हैं और अरविंद कुमार का ये कहना है कि दोषियों को दंडित करेंगे। लेकिन सवाल पूरे सिस्टम पर उठता है कि आखिर इस तरह की चूक हुई कैसे और इस सरकारी लापरवाही का खामियाजा लाखों अभ्यर्थी फिर से एग्जाम दे के क्यों भुगते। तो पुलिस भर्ती परीक्षा जो कि दो पालियों में 18 और 19 जून को कराई गई थी वो दोबारा कराई जाएगी। 10 लाख अभ्यर्थी एक बार फिर से परीक्षा देंगे। परीक्षा की तारीख का भी ऐलान नहीं हुआ है और इस अहम मसले पर भारत समाचार से जीपी शर्मा ने खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा को फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। 18 और 19 तारीख दोनों ही दिनों में दो परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों की अदला बदली की शिकायत आई थी, उसी के आधार पर इस परीक्षा को निरस्त किया गया। हमारे साथ यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के अध्यक्ष और डीजी जीपी शर्मा जी हैं। सर, जो ये परीक्षा निरस्त की गई है, इसका मूल आधार क्या था? कहां से आपको शिकायतें मिली जिसके आधार पर 18-19 की परीक्षा निरस्त की गई? परीक्षा समाप्त होने के 2-3 दिन के बाद इस तरह की सूचना हम लोग को मिली कि कुछ केंद्रों पर प्रथम पाली का प्रश्न पत्र ही द्वितीय पाली में दिया गया। इसके लिए हम लोगों ने जो कार्यदायी संस्था थी उनसे एक रिपोर्ट मांगी कि कृपया इस संबंध में जो वस्तु स्थिति है उसको स्पष्ट करने का कष्ट करें। अब जो कार्यदायी संस्था है उनका जो हम लोग को रिपोर्ट मिली उनकी, उसमें यह था कि अभी चूंकि स्कैनिंग में वो लगे हुए हैं और पूर्ण इस डेटा एनालिसिस के ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, इस संबंध में पूर्ण रिपोर्ट देने में उनको कुछ समय लगने की संभावना है। सरकार का यह निर्देश है, क्लियर पॉलिसी है कि हम जो रिक्रूटमेंट करेंगे वो पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता से करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष थे हमारे साथ और भारत। तो दोस्तों, आगे की हम न्यूज़ आपको देते रहेंगे, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।